एमके स्टैक माइंड चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जो आपके घर में बैटरी इन्वर्टर का यूज होता है, आजकल सभी के घर में है बैटरी, यूपीएस इन्वर्टर, सोलर पैनल, ये सभी होते हैं। तो आप सबको ये नहीं मालूम होता है कि ये बैटरी कितने एएच की होती है और हमारा जो इन्वर्टर है या हमारी जो बैटरी है वो कितने घंटे कितने लोड पर कितना बैकअप देगी, अर्थात हमारी बैटरी एक टीवी पर कई घंटे चलेगी, एक पंखे पर कितने घंटे चल जाती है, इसकी जानकारी अभी आपको नहीं है। तो मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि घर की जो बैटरीज होती हैं, इन्वर्टर होते हैं, वो कितने लोड पर कितने घंटे चलते हैं, वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है अपना बैटरी बैकअप टाइम कैलकुलेशन, अर्थात कितने एएच की बैटरी कितने समय चलती है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारी एक बैटरी है, जैसे हमने मान लिया हमारे घर में 150 एएच यानी कि 150 एम्पियर की मैक्सिमम बैटरी होती हैं, और 200 एम्पियर की भी आती हैं, 200 से ऊपर भी आती हैं, लेकिन घरों में जो यूज होती है मैक्सिमम वो ज़्यादातर 150 एएच की बैटरी यूज करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सस्ती पड़ती हैं, 200 एम्पियर की बैटरी थोड़ी महंगी होती है। तो 150 एम्पियर की अपनी बैटरी है, मानो एक्साइड की है या किसी भी कंपनी की, ल्यूमिनस की, माइक्रोटेक, कोई भी हो सकती है, और एक अपने इन्वर्टर ले लिया, माइक्रोटेक, ल्यूमिनस, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो। यहाँ पर तो हमारे पास एक 700 VA का माइक्रोटेक का मानो इन्वर्टर है और एक एक्साइड की 150 एच की बैटरी है अपने पास। तो इसका बैकअप कैसे निकालते हैं? बैटरी जो होती हैं आजकल वो 4 टाइप्स की होती हैं। एक होती है लीड एसिड बैटरी, जिसको कि हम घर में यूज कर रहे हैं, जो एसिड यानी कि तेजाब पड़ता है उसको कहते हैं हम लीड एसिड बैटरी। और एक होती है जेल बैटरी, जिसके अंदर थोड़ा जेल टाइप का होता है, उसके अंदर एसिड नहीं होता है। एक होती है अपनी ड्राई बैटरी, यानी कि उसके अंदर ना लीड होता है ना ही जेल होता है, वो बिल्कुल सूखी होती हैं, गाड़ियों में बहुत यूज होता है उनका। एक होती है अपनी ट्यूबलर बैटरीज, जो आजकल सोलर पर ज़्यादातर यूज होती हैं, क्योंकि उनका बैकअप तो थोड़ा कम होता है लेकिन वो ख़राब बहुत कम होती हैं। तो इस प्रकार से 4 टाइप की बैटरी है, लेकिन घरों में मैक्सिमम लीड एसिड बैटरी का ही यूज हो रहा है। तो मैं बताता हूँ लीड एसिड बैटरी का आपको किस प्रकार से कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले आपको, यानी कि आपके घर में लोड कितना चल रहा है, जैसे सभी को मालूम है पंखे 40 वाट के भी होते हैं, 50 वाट, 80 वाट, लाइट जो होती है अपनी 20 वाट, 10 वाट, 40 वाट, इस प्रकार से होती हैं, टीवी 50 वाट, 100 वाट, इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मानो आपको दो फैन चला रहे हो आप, दो फैन, एक फैन जो है 80 वाट का है, तो दो फैन जो चला रहे हो वो हो गए टोटल 160 वाट के हुए। तो सबसे पहले दो फैन हमने लगा लिए, 160 वाट हो गए, 80-80 वाट के हम चला रहे हैं। एक मानो अपने घर में लाइट है, CFL है कोई, वो है 40 वाट की है मानो, तो उसको हम यूज कर रहे हैं, और एक हम टीवी यूज कर रहे हैं जो अपना लगभग हमने मान लिया 100 वाट का टीवी अपना, सबके ऊपर वाटेज लिखी होती हैं पीछे आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से टोटल हमने ऐड किया तो 160, 40 और 100, टोटल होता है अपना 300 वाट लोड, यानी कि हम अपने घर में मानो 300 वाट का लोड चला रहे हैं। वो सभी के घर में अलग होता है, 500 वाट भी यूज करता है कोई, 100 वाट भी करता है कोई, 50 वाट भी। केवल एक कैलकुलेशन के लिए मानो मेरे घर में चल रहा है 300 वाट का लोड, मैं अपने घर की ले लेता हूँ, 300 वाट लोड चला रहा हूँ मैं, ठीक। तो अब इसके लिए निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बैटरी का एएच, यानी कि हमारी जो बैटरी है वो 150 एएच की है या 200 एएच की है, बैटरी 150 एएच की है या 200 एएच की है, वो देखना है सबसे पहले, बैटरी के ऊपर लिखा होता है। फिर लोड, यानी कि जो हम यहाँ पर लोड डाल रहे हैं वाटेज में, वो निकाल लेना है अपना, लोड हो गया हमारा 300 वाट का है मेरा। बैटरी वोल्ट, बैटरी घर में जो यूज करते हो आप, सिंगल बैटरी जो करते हो वो 12 वोल्ट होती है, और अगर दो यूज कर रहे हो तो वो 24 वोल्ट बना करके भी यूज करते हैं, क्लियर है। तो मैक्सिमम 12 वोल्ट पर ही निकालते हैं हम, तो 12 वोल्ट अपनी बैटरी हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालना है बैटरी डिस्चार्ज करंट। बैटरी डिस्चार्ज करंट कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले अपना जो वॉट यानी कि पावर, जितना लोड है उसको ले लेंगे, तो मेरी यहाँ पावर कितनी थी 300 वाट, मैंने यहाँ ले लिया। फिर बैटरी वोल्ट, बैटरी वोल्ट यानी कि मेरी बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की है, क्लियर। तो इसको निकालने के लिए वाट अपॉन वोल्ट, यानी कि वाट में वोल्ट का डिवाइड यानी कि भाग देना है, तो 300 से 12 का भाग दिया तो ये कितना आया अपना 25 एम्पियर, इसके हमने एम्पियर बना लिया, यानी कि बैटरी डिस्चार्ज करंट एम्पियर में होता है वो। तो 12 वोल्ट का 300 वाट में, यानी अपना जो भी लोड है 300, 500, 250, उसका 12 में 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसमें भाग दिया तो ये अपने कितना आया है 25 एम्पियर निकल करके आया मेरा करंट, ठीक है। तो इसके बाद अब निकालते हैं बैकअप
टाइम। तो बैकअप टाइम को कैसे निकालेंगे हम, तो सबसे ऊपर ऊपर लिखना आपने बैटरी एएच। तो बैटरी एएच अपनी कितनी है, वो है अपनी मानो 150 एएच की बैटरी है मेरी, कितनी है 150 एएच है मानो, 150 एएच की बैटरी। बैटरी डिस्चार्ज करंट, बैटरी डिस्चार्ज करंट यानी कि जो अपना एम्पियर आया है, तो एम्पियर कितना आया अपना 25 एम्पियर आया अपना, कितना आया 25 एम्पियर आ गया। तो इसको इससे काटेंगे हम तो कितना आया 25 × 150, तो ये कितना आता है अपना 6 आवर, तो 6 घंटे, आवर यानी 6 घंटे। तो लगभग ये निकल के आया हमारा 6 घंटे, यानी कि 300 वाट लोड पर 12 वोल्ट बैटरी हमारी 150 एएच की चलेगी 6 घंटे। लेकिन ये फैक्ट नहीं है, यानी कि ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक रूल होता है इलेक्ट्रिक में जिसको हम कहते हैं थंब रूल, यानी कि कोई भी बैटरी को हम 100% डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसको केवल हम 70% ही डिस्चार्ज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी बैटरी हो उसको हम केवल 70% तक ही उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इसका एक्यूरेट निकालने के लिए क्या होगा, जैसे हमारा 6 घंटे था, 70 का आपने बनाया 0.7% आया, ठीक है, तो ये कितना बैठता है 4.2 आवर्स। तो हमारी जो बैटरी चलेगी वो 4.2 आवर्स, यानी 2 का बन गया 12 मिनट, तो हमारी जो बैटरी चलेगी वो 4 घंटे 12 मिनट चलेगी, यानी कि हम उसका केवल 70% ही बैटरी को ख़त्म कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पूरा 100% नहीं कर सकते हैं। ये थंब रूल है एक इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, बिजली का। तो इस प्रकार से हमारा 300 वाट लोड पर हमारा जो बैटरी का बैकअप आएगा वो लगभग 4 घंटे 12 मिनट के समथिंग निकल करके आएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप अपने घर में अपनी बैटरी का करंट निकाल सकते हो, कितनी घंटे बैटरी आपका चलती है, सही चल रही है या कम चल रही है, इस प्रकार से आप इसका करंट एम्पियर सब निकाल करके सही अंदाज़ा बिल्कुल फिट लगा सकते हो। क्लियर? तो इस प्रकार से वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।